लोकपाल बिल किस लिए बना है? जो भ्रष्टाचारी हैं उनको पकड़ने के लिए बना है ना, जो भ्रष्टाचार के शिकार हैं या जो भ्रष्टाचार की शिकायत लेके आए हैं उन्हें पकड़ने के लिए तो नहीं बना ना। इसलिए पहले दिन से रामलीला मैदान के वक्त, जन आंदोलन के वक्त एक बात बार बार कही गई कि अगर कोई व्यक्ति अपना आरोप साबित नहीं कर पाता है तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, और अगर कोई जानबूझ के बदमाशी भी कर रहा है, ये भी पकड़ा गया तो ठीक है, उसको आप फाइन कर दो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लेकिन पता है इस बार क्या है, ये जिसे जनलोकपाल का बिल बताया जा रहा है उसके अंदर वही चीज है जो कि कांग्रेस ने अपने बिल में रखी थी। क्या? कि आपको 1 साल की सजा मिलेगी और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। सजा मिलेगी किसे? भ्रष्टाचार करने वाले को नहीं, जो भ्रष्टाचार का शिकायत लेके आया उसको सजा मिलने का प्रावधान है, इसलिए तो नहीं बना था। ये तो वही चीजें हैं जो पार्टियां आज तक करती आ रही थी। इसे हम जन लोकपाल कैसे कह सकते हैं?